बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की पीट पीट कर हत्या। यूपी के जेलों में कैदियों की मौज मस्ती का वीडियो वायरल। संभल में कैदियों ने पुलिस वालों की जान ली। ये वो वारदात है जो ये बताती है कि यूपी में अपराधियों के अड्डे बन गए हैं। लगातार एनकाउंटर और सख्ती भी बदमाशों को रोक नहीं पा रही। जेल हो या सड़क, वो हर जगह बेखौफ है। लेकिन यूपी के डीजीपी को लगता है कि बदमाशों में कानून का खौफ है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि कानून व्यवस्था खराब है। उन्नाव में एक मदरसे के ग्राउंड में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ पे दूसरे पक्ष के लड़के आए और ये कहा जाने लगा कि उनसे जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही गई और उस पर मारपीट हुई और एक लड़के को चोट आई। हमने मुकदमे तो दर्ज कर दिए, लेकिन जब काफ़ी सघन विवेचना हुई, उसकी जांच हुई, तो ये पाया गया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। ऑफकोर्स लड़ाई दोनों पक्षों में हुई थी, लेकिन जय श्री राम या इस प्रकार के सांप्रदायिक बातों पर कोई लड़ाई नहीं हुई। तो हमने ये देखा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पर इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही हैं जिसे सांप्रदायिक कलर दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास न करें, अफवाह न फैलाएं। यूपी के सोनभद्र में जमीन के टुकड़े के लिए लाशें बिछा दी गईं। किसी की लाश कहीं पड़ी है तो किसी की कहीं। मरने वालों में महिला पुरुष दोनों हैं। खेतों में लाशों का मंजर देखकर कोई भी सिहर उठेगा। शवों के पास परिवार वाले मातम मना रहे हैं। खेत में कहीं साड़ी का टुकड़ा पड़ा है, कहीं चप्पल, कहीं जूता। जमीन पर खून के धब्बे। जहाँ कल जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली जिसमें 10 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 20 से ज़्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हैं, जिनको इलाज के लिए रॉबर्ट्सगंज अस्पताल और वाराणसी ले जाया गया है। कईयों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पर अभी भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 100 एकड़ जमीन के लिए खूनी तांडव हुआ। ग्राम प्रधान यज्ञ दत्त ने एक IAS अधिकारी से जमीन खरीदी थी, लेकिन गांव वाले इस जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि वो लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। आरोप है कि कल दोपहर को ग्राम प्रधान के लोग 15 से 20 ट्रैक्टर में भरकर आए और उन्होंने गांव वालों पर हमला किया, उन पर बंदूक तान दी और ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। इस खूनी संघर्ष में 10 लोगों की जाने चली गई, कई घायल हैं। तुरंत बोलते हैं कि मैं सारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं सबको मैं बात कर चुका हूं, आप सीधे धड़ाधड़ गोली चलाइए। ताबड़तोड़ गोली चलना शुरू हो गया। मैंने DSP को, कोतवाल को 100 नंबर पे फ़ोन किया, वो सबसे मिले जुली हुए थे। जब यहां से वो लोग हट जाते हैं तो फिर वहां से वो लोग आते हैं यहां पे। जमीन विवाद में एक तरफ से गोलियां चली तो दूसरी तरफ से लाठियां। अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने ग्राम प्रधान के भतीजे को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र में अब भी तनाव है। सीनियर अधिकारी इलाके में मार्च कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की पोल सोनभद्र की वारदात ने खोल दी है। जिस जमीन को लेकर पहले भी कई विवाद हुए हैं, उसे लेकर अगर पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। सरेआम लोगों को गोलियों से भूना नहीं जाता। सोनभद्र से नीलांशु शुक्ला के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक।